एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है, तो आइए हम चेक करते हैं ज्योतिषीय विश्लेषण, क्या रियली कोई एक बड़ा भूकंप आने की संभावना है या केवल ये एक मिथ्या है, इसको हम लोग चेक करते हैं। देखिए, भूकंप की बात किया जाए तो भूकंप तो प्रतिदिन आते हैं। अगर आप सर्च करते हैं गूगल पे अर्थक्वेक इन लास्ट 24 आवर, आपको बहुत सारे भूकंप दिखाई देंगे। भूकंप सामान्यतः उन्हीं को खराब माना जाता है जो बेसिकली क्या हो, उनकी इंटेंसिटी 6 या 6 से अधिक की हो, उनको खतरनाक भूकंप की संज्ञा दी जाती है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं लोग, उसको समझिएगा। देखिए, भूकंप आने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए। जब भी देखा गया है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो भूकंप की टेंडेंसी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। भूकंप आने की संभावना जो है इस समय बढ़ती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये तो वैज्ञानिक लोग ने भी प्रूफ किया हुआ है कि ड्यूरिंग लूनर इक्लिप्स या सोलर इक्लिप्स या जो भी, जब चंद्रमा पूर्ण रहता है यानी पूर्णिमा का जो चंद्रमा रहता है वो वाटर को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करता है। ये वैज्ञानिकों ने भी इसको सिद्ध किया हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या रियली में 19 नवंबर को, जो कि 500 साल के बाद एक लंबा आंशिक ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा के ही राशि में लग रहा है, चंद्रमा के नक्षत्र में लग रहा है, चंद्रमा का नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र में इसका प्रवेश हो रहा है, तो क्या ये राशि जो हो रही है, जो अर्थक्वेक की बात हो रही है, क्या वास्तव में ये अर्थक्वेक होगा या नहीं होगा, आइए हम इसको चेक करते हैं। देखिए, पृथ्वी तत्व बुध को माना जाता है, यानी मरकरी इज कॉन्सिडर एज अ अर्थ एलिमेंट। और यहाँ पर बात किया जाए तो जो संभावनाएं दिखाई दे रही हैं अर्थक्वेक की, वो बहुत कम दिखाई दे रही है। हालांकि अर्थक्वेक कब आएगा नहीं आएगा, ये इसकी भी कैलकुलेशन कई बार इस चैनल पर दी गई है और कई बार आपने सटीकता से इसको देखते हुए पाए होंगे कि एग्जैक्टली उसी डेट पे या उसके आसपास के डेट पर बताई गई है और वो सत्य भी हुई है। तो मैं आप सभी लोगों को सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि बहुत बड़ा भूकंप आने की संभावना नहीं है। नंबर वन, भूकंप आएगा लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम रहेगी, 5-5.5 तक की इंटेंसिटी रहेगी। और ये इंटेंसिटी जो होगी नॉर्थ ईस्ट साइड में होगी, भारत के रिस्पेक्ट में या साउथ वेस्ट में ही होने वाली है। और ये डायरेक्शन मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं तो ये चंद्रमा का डायरेक्शन हो जाता है और चंद्रमा के डायरेक्शन में ही ये ग्रहण लग रहा है। तो लॉजिकली देखा जाए कि अगर ग्रहण लग रहा है, समथिंग इज, आपको कहा जाए कि ये ग्रसित कर रहा है लोगों को, तो ये इसका प्रभाव कुछ लगन वाले जातकों पर ज़्यादा ही होगा। लेकिन अर्थक्वेक बहुत तगड़ा आ जाएगा ऐसा मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थक्वेक कब आ सकते हैं इसके अलर्ट अभी भी होती है। जनरली चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, उसके 10 दिन आगे या 10 दिन पीछे ऐसी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक मेजर अर्थक्वेक आएगा जिससे कि पूरी धरती जो है वो पूरा हिल जाएगी और बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नंबर वन मैं ये बता देता हूँ। दूसरा, इसका प्रभाव कुछ लगन वाले जातकों पर विशेष रूप से रहेगा। नंबर वन, जो कि कर्क लगन वाले जातक हैं उन पर बहुत ज़्यादा इसका नकारात्मक प्रभाव मिलेगा देखने को। मकर लगन वाले जातकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा और साथ में जो धनु लगन वाले जातकों पर है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। 2 लगन पर बहुत निगेटिव है और जुपिटर का जो पाइसेस एसेंडेंट और जुपिटर का सेजिटेरियस एसेंडेंट, इन दोनों पर पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। इसको मैं अलग से एक वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी केवल यही प्रेडिक्शन है कि अर्थक्वेक आएगा 500 साल के बाद एक लंबा 3.5 घंटे का आंशिक चंद्र ग्रहण। और जैसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है लोगों की हालत खराब हो जाती है। एक्चुअली मैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए वेरियस टाइप्स ऑफ डेंजरस रेज आर एमिटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस कारण से हमें चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसका निगेटिव इम्पैक्ट होता है।
पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कुछ ऐसे वर्ड लिख दिया करते थे जिससे कि लोग भयभीत हो जाते थे और लोग उससे दूर हो जाते थे। लेकिन आज जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने वाला समय है। एस्ट्रोलॉजी यूज़ कीजिए, एस्ट्रोलॉजी मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन साइंटिफिक होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर कोई चीज़ों को बात किया जाए तो उसमें समझ में भी आता है और समझाने में भी अच्छा लगता है। तो ओवरऑल जो प्रेडिक्शन जा रही है यहाँ पर अर्थक्वेक को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एरिया अलर्ट पे रखिए, और वो एरिया वही एरिया है जो कि चंद्रमा के नक्षत्र में ये लग रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया बनता है उस पर लगेगा। बुध की स्थिति अभी इतनी मजबूत है कि बुध पृथ्वी तत्व होने के कारण बहुत त्रासदी नहीं कराएगा। अगर ये बहुत मेजर अर्थक्वेक अगर आना होगा तो ये यूरोप के साइड में ज़्यादा हो सकता है या उसके आसपास के इलाके में हो सकता है। इंडिया पे इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा, बेहद निश्चिंत रहिए, बहुत ख़राब नहीं होने वाला है। और ये आप लोगों का ही क्वेश्चन था इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। और अभी आप कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न लिखना चाहते हैं लिखिए। रात्रि 9 बजे आइए, ज्योतिष सीखें शून्य से लेकर अनंत तक। इसको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और गोल्ड सिल्वर पे जो प्रेडिक्शन आप पूछ रहे हैं ऑलरेडी कल के वीडियो में दिया गया, आप उस वीडियो में चेक कीजिए। ओम नमः शिवाय।